हेलो फ्रेंड्स, मैं एवरेज कॉर्पोरेशन से इरफान मेमन। मैं आपको आज एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। बैकग्राउंड में आप जो मशीन है वो देख के समझ ही होंगे। तो मैं आपको आज सोडा फाउंटेन मशीन के बारे में बताना चाहता हूँ। सोडा शॉप मशीन कहते हैं, सोडा फाउंटेन मशीन, ये सोडा शॉप है। इसलिए बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए तो आप हमसे कॉल करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी हम आपको दे सकते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट है पूरा आपको देंगे हम, कि इसमें कितना गैस, कितना फ्लेवर, शुगर, आर ओ वाटर, डिस्पोजेबल ग्लास, इलेक्ट्रिसिटी और आपका जो दूसरा अदर मेंटेनेंस है, रेंट, सब मिला के कितना आपको एक ग्लास का कॉस्ट आता है और आप कितने में सेल करते हो, पूरा हम आपको इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देंगे। पहले मैं आपको पूरा मशीन बता दूँ। देखिए दोस्तों, ये रेफ्रिजरेशन आउटडोर यूनिट है। कई मशीन में अंदर की तरफ कंप्रेसर लगा होता है मशीन में ही, और कई मशीन के अंदर बाहर ही लगा होता है आउटडोर, ताकि गर्म हवा अंदर न रहे, बाहर निकल जाए। और ये सिरप टैंक है, जितने मशीन में वाल होंगे उस तरह से सिरप टैंक होंगे। इसमें 14+2 है तो 14 सिरप टैंक है और 2 वाल है। सारे सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेट जो सिरप है बना के इसी में डालना है और इसको कनेक्टर से जॉइंट करके फिर मशीन को सप्लाई देना है सिरप का। ये मैंने इंस्टॉलेशन का वीडियो भी रखा हुआ है, आप देख सकते हो किस तरह मशीन को पूरा इंस्टॉल करते हैं। देखिए कनेक्टर लग गया है, सप्लाई मिल जाएगा पूरा उधर। और जो CO2 रेगुलेटर है उसमें जो सिरप को सप्लाई देता है उसको 40 पे रखना है, और जो मशीन में डायरेक्ट जाता है कार्बोरेटर तक उसको 80 पे रखना है। देखिए ऐसे 10-10 लीटर की गेनियाँ भर के आप रख सकते हो। मैंगो और पाइनएप्पल के लिए 20 लीटर की बड़ी रखनी होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट से जो सिरप का शरबत का सप्लाई मिलता है उसमें गैस मिक्स होके, थोड़ा मिक्स होके नहीं। दुकान कितने बेहतरीन तरीके से सजाई हुई है, पूरा एसी बिट से इंटीरियर किया हुआ है और बेहतरीन विनाइल इको सोलर स्टिकर लगाए गए, जिससे दुकान पूरी आपको दिख रही है अच्छे से। तो इस तरह आप खुद की फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजी की पूरी चेन स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मैं आपको बता चुका हूँ। आप चाहे तो हमसे पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले सकते हैं कि आपको एक ग्लास की कॉस्ट कितनी आएगी और कितने में सेल होता है। इसे फाउंटेन सोडा मशीन भी कहते हैं, सोडा वेंडिंग मशीन भी कहते हैं, और कार्बोरेटर जूस वेंडिंग मशीन भी कहते हैं, और कार्बोरेटर वाटर वेंडिंग मशीन भी कहते हैं इसको। तो ये जो मशीन है ये 14+2 है, 14+2 है, 14+2 14 जो है ये कार्बोरेटर जूस के है। जैसे ये कोला, काला खट्टा, फ्रूट बियर, ऑरेंज, लेमन, विंटो, लीची, पेपियो, पुदीना मसाला, मसाला सोडा, इस तरह के बहुत सारे कार्बोरेटर फ्लेवर आते हैं जिसको हम फ्लेवर्ड सोडा कहते हैं उसके लिए है। और ये जो है ये नॉन CO2 जूस के लिए है। मैंगो और पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ऐसे जो फ्लेवर्स होते हैं नॉन CO2 उसके लिए ये है। तो ये 14+2 मशीन है, और इसका जो पानी का टैंक है उस मशीन के अंदर ही है। इसमें आपको एक्स्ट्रा वाटर टैंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आपको एक और जानकारी ये दे दूँ कि इस मशीन में जो रेगुलर फ्लेवर्स है उसमें आप नींबू मसाला, कई चीज़ें मिक्स करके और कई तरह के फ्लेवर्स बना सकते हो। एक फ्लेवर्स में से आप 2-3 तरह के फ्लेवर बना सकते हो। जैसे ऑरेंज में नींबू मसाला डाल दिया तो कश्मीरी ऑरेंज बन जाएगा, मसाला सोडा के अंदर नींबू मसाला डाल दिया तो वो डबल मसाला बन जाएगा, लेमन में नींबू मसाला डाल तो कश्मीरी लेमन बन जाएगा, कोला में अगर नींबू मसाला डाल तो कश्मीरी कोला बन जाएगा। इस तरह बहुत सारे फ्लेवर्स आप बना सकते हो अपने हिसाब से। जैसे 3 सोडा को मिक्स कर दिया अलग, नींबू मसाला डाल दिया तो रॉयल कश्मीरी बन जाएगा, और 4-5 टाइप की सोडा मिक्स करके, फ्लेवर्ड सोडा मिक्स करके आपने नींबू मसाला डाल दिया तो वो मिक्स कश्मीरी बन जाएगा। इस तरह बहुत सारे फ्लेवर्स आप अपने हिसाब से बना सकते हो। वो भी हम आपको सिखाएंगे किस तरह आपको ये ट्रीट करना है कस्टमर को, अलग अलग फ्लेवर, एक में से ज़्यादा फ्लेवर किस तरह बनाने। इसी 14 तरह के जो फ्लेवर्स है उसमें से आप 52 या 60 टाइप की सोडा के अलग अलग फ्लेवर बना सकते हो। जैसे रियल फ्रूट के जो पीसेस डालते हैं उसको हमारे यहाँ मैंगो टुकड़ा, पाइनएप्पल टुकड़ा के नाम से बेचते हैं, इसमें पीनट्स डाल के मसाला सोडा दी जाती है। इस तरह बहुत सारे फ्लेवर्स अलग अलग बनाए जाते हैं, वो भी हम आपको सिखा देंगे किस तरह आपको बनाना है। दोस्तों इसमें 16 तरह के फ्लेवर्स है, लेकिन हकीकत में तो फ्लेवर्स इससे भी ज़्यादा आते हैं। 20 से 35 फ्लेवर्स मार्केट में अवेलेबल है डिफरेंट टाइप के। तो अब इससे भी बड़ा मशीन लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो। देखिए फ्रूट बियर, ब्लूबेरी, कच्चा आम, बहुत सारे फ्लेवर्स है, उसका लिस्ट भी आपको देंगेगा। अगर आप चेंज करना चाहो समय समय पर अपने कस्टमर की डिमांड के अनुसार वेराइटीज़, तो आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। कभी कोई फ्लेवर चला दो, कभी कोई फ्लेवर चला दो, इस तरह भी आप रोटेट करके आप फ्लेवर्स को चला सकते हो। देखिए ये सारे रेगुलर फ्लेवर है, जीरा मसाला, मैंगो, कोला, ब्लूबेरी,
और उसके अलावा ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेवर है, जो रेगुलर नहीं है उसको आप चेंज कर सकते हो बार बार आप कस्टमर को वेराइटीज देने के लिए, और उसमें आप नींबू मसाला वगैरह डाल के और ज़्यादा फ्लेवर बना सकते हो। तो देखा आपने दोस्तों ये शॉप कितनी अच्छी तरह सजाई हुई है, बहुत ही अच्छा इंटीरियर किया हुआ है। इस तरह आप भी अगर चाहो तो अपना खुद का फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हो, इस तरह आप एक नई पूरी फ्रेंचाइजी की आपकी चैन शुरू कर सकते हो। ये फूड बिजनेस ना बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप खुद कर सकते हो बिजनेस, और किस तरह करना है इसकी रेसिपी से लेकर इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक पूरा हम आपको देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी प्रोडक्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और पहली बार अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारे नए प्रोडक्ट, नए बिजनेस के बारे में और इस मशीन्स के मेंटेनेंस के रिलेटेड सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में नई प्रोडक्ट, नई डिटेल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।